सेक्रेटेरिएट की जो दो मसाजिद हैं तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की, वो दोनों मसाजिद की ज़मीन पर तेलंगाना हुकूमत गाजीबाना कब्ज़ा की हुई है और गुज़िश्ता 5 महीने से उस ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, क्योंकि ये ज़मीन तेलंगाना गवर्नमेंट की नहीं है बल्कि वफ ज़मीन है। गज़ट नोटिफिकेशन इस ज़मीन का है, वफ गज़ट नोटिफिकेशन है। वफ लैंड पर जिस तरह वफ माफिया मुख्तलिफ समझिए कि वफ के अरब हा रुपए की ज़मीनात पर कब्ज़ा किया हुआ है, उसी तरह तेलंगाना गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट को बनाने के नाम पर, सेक्रेटेरिएट के रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर कब्ज़ा की भी, और उन दोनों मसाजिद पर हमारा मतालबा है कि 24 जनवरी तक आप समझिए कि नमाज पढ़ने की इजाज़त वहाँ दे दें। आप महल बनाएंगे, मसाजिद को आलीशान बनाएंगे, आपका शुक्रिया, लेकिन आलीशान मस्जिद में नमाज पढ़ने से सवाब ज़्यादा मिलता है या झोपड़ी में नमाज पढ़ने से कम मिलता है? अल्लाह का निज़ाम ऐसा नहीं है। वहाँ नमाज का क़याम बुनियादी अहमियत रखता है, क्योंकि वहाँ आबाद मसाजिद थी। तो तहरीक मुस्लिम शब्बान का और जॉइंट एक्शन कमेटी का ये मतालबा है कि आप फौरी वहाँ पर नमाज का परमिशन दे दें। 24 जनवरी तक नमाज का परमिशन नहीं दिया जाएगा तो हम नमाज पढ़ने के लिए सेक्रेटेरिएट को मार्च करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 24 जनवरी डेडलाइन हमने दी है, और आप जब फ्लोर पर, असेंबली फ्लोर पर चीफ मिनिस्टर ने कहा दोनों मसाजिद वहाँ बना दी जाएंगी, तो आप जब भी संगे बुनियाद रखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल आप मसाजिद बना दें, कल आप संगे बुनियाद रखें, संगे बुनियाद जब भी रखेंगे, जब भी आप तामीर करेंगे आप ज़रूर करिए, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि वो मसाजिद आबाद मसाजिद थी। मसाजिद के माने वो ज़मीन होती है जहाँ बंदगान खुदा सजदों से उस ज़मीन को सजाते, वो ज़मीन पर सजदे करने की इजाज़त दे दी जाए, उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के साथ एक खाना मस्जिद का भी मसला है, लेकिन पहले मरहले पर हम सेक्रेटेरिएट मसाजिद का 24 जनवरी का डेडलाइन कॉल दिए हैं, और 24 जनवरी तक हुकूमत, हम चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर लिखेंगे कि आप 24 से पहले वहाँ नमाज शुरू करा दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि मुश्ताक मलिक ही जाके नमाज पढ़ेगा, हम ये कह रहे हैं कि नमाज की वहाँ इजाज़त दे दी जाए, चाहे वो 10 आदमी नमाज पढ़े, 5 आदमी पढ़े, तो नमाज शुरू होनी चाहिए। ज़मीन पर सजदे होना लाजिम है, क्योंकि अल्लाह की जो समझिए कि घर होते हैं वो ज़मीन को कहा जाता है, दरो दीवार को, इमारत को, बुनियाद को, महल को नहीं कहा जाता। तो वो ज़मीन पर नमाज पढ़ने का परमिशन दे दिया जाए। 24 तक अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर हम उलमा, मशायखीन, मदारिस दीनिया और तमाम मजहबी जमातों, दीनी मिल्ली जमातों के साथ वहाँ नमाज पढ़ने के लिए मार्च करेंगे।